सिवान जिले के मैरवा पुलिस और एसआईटी टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली गांव के नवाब यादव के 35 वर्षीय पुत्र मिथुन यादव के रूप में हुई है। इस मामले में एसडीपीओ अजीत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिया है। उन्होंने बताया कि 30 मई की रात मैरवा थाना क्षेत्र के इमलौली गांव में भारी मात्रा में अवैध हथियार मामले में रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एसआईटी प्रभारी विनोद सिंह के नेतृत्व में छापेमारी किया गया, जहां मिथुन यादव के घर बाउंड्री में एक करकटनुमा कमरा से अवैध रूप से छुपाकर रखा गया भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद किया गया, जिसमें एक कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, एक रिवाल्वर, 4 देसी कट्टा, 17 देसी कारतूस, एक मोबाइल, एक बाइक बरामद किया गया है। पुलिस ने कांड संख्या 162/24 दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई है। इस डीपीओ ने यह भी बताया कि गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। इतने भारी मात्रा में अवैध हथियार क्यों रखा गया था, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी इकट्ठा करने में पुलिस जुट गई है। छापेमारी में निर्भय कुमार, राहुल कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। आज का प्रेस विज्ञप्ति अवैध अग्नेयास्त्र से संबंधित है। कुल 7 अग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। मैरवा थाना अंतर्गत दिनांक 30/5/2024 को रात्रि गश्ती के दौरान यह सूचना प्राप्त हुई कि इमलौली गांव जो है, जो मैरवा थाना अंतर्गत पड़ता है, रात्रि गश्ती को यह सूचना मिली कि वहां पे मिथुन यादव के यहां अवैध अग्नेयास्त्र रखे गए हैं। सूचना के आलोक में वहां रेड छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में वहां से 7 अग्नेयास्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं, साथ में एक मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। कौन कौन सा हथियार है सर? इसमें जो हथियार हैं, एक कार्बाइन है, एक देसी पिस्टल है, रिवाल्वर एक है और देसी कट्टा 4 है। टोटल 7। कितने लोग गिरफ्तार हैं? गिरफ्तारी अभी एक व्यक्ति की हुई है, जिनका नाम मिथुन यादव है, उम्र 35 वर्ष, पिता नवाब यादव, थाना मैरवा, जिला सिवान। क्या ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के प्लान तो नहीं बना रहे थे? ये हम इन सभी बिंदुओं पे देख रहे हैं। साथ ही साथ मिथुन यादव का जो भी पुराना इतिहास होगा या कोई भी आपराधिक इतिहास होगा, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे हम लोग केस के साथ ऐड करेंगे। कोई गाड़ी वाड़ी सर? हाँ, एक बाइक भी बरामद हुई है, मोटरसाइकिल अपाची, उसे भी हम लोग सत्यापित करेंगे कि वो किनके नाम से है या वो भी बाइक चोरी की है या नहीं है। उन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच पड़ताल करके आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। 26 तारीख वाली घटना में संलिप्तता तो नहीं है? ये अनुसंधान का विषय है, हम लोग उसे लिंकअप करके देखते हैं। अगर वैसा कुछ सम्मिलित होगा तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग उसके साथ ऐड करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।